हेलो स्टूडेंट्स, एसिड बेस्ड सॉल्ट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस वीडियो में लेंगे लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 48 आपको समझाएंगे। बट इससे पहले जो बच्चे को नया वीडियो मिला है, ठीक है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए। जो कमेंट मैंने पिन किया हुआ नीचे, उसमें सबसे नीचे जाइए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हो, वहां से चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 इज वेरी इजी क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है आराम से पहचान गए होंगे। कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मुली ऑफ, फॉर्मुली इज व्हाट, फॉर्मुली इज द प्लूरल ऑफ फॉर्मुला, फॉर्मुला का जो प्लूरल होता है वो फॉर्मुली होता है। ऑल्सो राइट द केमिकल फॉर्मुली ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी का हमको क्या लिखना है, हमको केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है, केमिकल नेम भी लिखना है और कंपाउंड एक्स के बारे में बताना है, कंपाउंड एक्स क्या है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप समझें तो मैं पार्ट वाइज इसको ब्रेक कर देता हूं। ये एक्स कंपाउंड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो एक्स कंपाउंड है जब ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपको क्या क्या देता है, ये कोई कंपाउंड ए देता है आपको, यहां पर हमको ए मिलता है। अब ये ए क्या है हमको नहीं पता, एक्स भी हमको नहीं पता, और साथ में क्या मिलता है, साथ में मिलता है हमको हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कल की क्लास में शायद ये हुआ था, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए भाई, जिंक कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन निकलती है, याद है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ x की जगह जो पार्ट वन का आंसर है जब वो जिंक से कर रहा था, तो इसका अगर आंसर मैं दूं तो यहाँ पे देखिए x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। अब देखो, मैंने हाइड्रोजन गैस से पहचान लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि जिंक को जब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालता था तभी तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलती थी और साथ में बनता था सोडियम जिंकेट, याद है। तो ये ए क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 करेक्ट, और यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अगर आपको इसको बैलेंस, देखिए बैलेंस रिएक्शन तो उन्होंने नहीं पूछी, अगर आपसे पूछते तो हम इसको बैलेंस भी कर लेते। कैसे, मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 लगा देते, देखो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, जिंक 1, ठीक है, अब ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो x आपको पहचान में आ गया, तो यहाँ पे हम आंसर करते जा रहे हैं। x क्या है हमारे पास, x है, x का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaOH, और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड करेक्ट, तो ये हम पहचान गए। अब देखिए, आपको एक चीज़ और मैं याद दिला दूँ, एक रिएक्शन और होती थी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करते थे, याद है, यानी कि अगर कुछ ऐसा होता NaOH और प्लस, कल की क्लास में हमने देखा था इस जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड अगर होता तो हमको सोडियम जिंकेट तो मिलता Na2ZnO2, बट हमको यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या मिल जाता, हमको हाइड्रोजन की जगह यहाँ वाटर मिल जाता, क्यों, क्योंकि हमने जिंक की जगह जिंक ऑक्साइड लिया है। तो इस हाइड्रोजन में आप ऑक्साइड से ऑक्सीजन आके लग जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो, तो वाटर बन जाएगा। बहरहाल इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब पार्ट टू देखते हैं। अब जब एक्स पहचान में आ गया तब तो आपका काम बन जाएगा। पार्ट टू क्या है, एक्स रिएक्ट करता है किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, तो देखिए जो हमारा पार्ट टू है वो क्या है, एक्स रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। और अच्छा हाँ, यहाँ से एक चीज़ और पहचान गए हम, कंपाउंड ए को भी पहचान गए। ठीक है, तो ए को हम लिख देते हैं, ए क्या है हमारा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये रहा इसका केमिकल फॉर्मूला Na2ZnO2, और नाम क्या है इसका, इसका नाम है सोडियम जिंकेट करेक्ट। तो ये हमने पहचान लिया। अब बढ़ते हैं पार्ट टू पे, X प्लस HCl, ये जो कंपाउंड X है ये HCl के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, आपको देता है, हमको प्रोडक्ट में मिलता है B और साथ में मिलता है वाटर। अब तो बहुत इजी हो गया, X को आप पहचान गए, तो X क्या है, X NaOH है, यानी कि NaOH एक बेस है, और देखो यहाँ बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, यानी कि करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो वाटर तो यहाँ बना ही हुआ है, ठीक है, और एक सॉल्ट बना लीजिए, कैसे बनेगा सॉल्ट बताइए, कैसे बनेगा सॉल्ट, ये OH और H ये मिलके तो क्या बन गए, H2O वाटर, और बचा क्या, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आपका यहाँ पर बन गया। तो B क्या है आपका, A आपका सोडियम जिंकेट था, B क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से हम B को भी पहचान गए, और B का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है NaCl, और नाम है इसका क्या, सोडियम क्लोराइड करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं सी की क्या हालत है, सी क्या है, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है ना, 1-1 मार्क्स का, तो अभी 3 मार्क्स हम ले चुके हैं, 1, 2, 3, अब हम 4th मार्क्स के लिए काम करेंगे। तो
वन मार्क्स का तो हो गया आपका एक्स पहचानना था, और थ्री मार्क्स के ये हो गए ए बी सी पहचानने थे, ठीक है। अब लास्ट में देखिए ज़रा, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर मैं आपको, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि अभी दोबारा बताना तो पड़ेगा वैसे भी। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब मैंने सॉल्ट बनाया तो कैसे मैंने सोचा, भाई NaOH किस में ब्रेक होगा, NaOH ब्रेक होगा आपका सोडियम प्लस आयन और OH माइनस में, हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन, और HCl ब्रेक होगा किस में, H प्लस और Cl माइनस में। बस यहाँ पे जो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन है उसको एनायन से जोड़ दो, कैटायन को एनायन से, और यहाँ के एनायन यानी नेगेटिव आयन को कैटायन से जोड़ दो, तो देखो एच प्लस ओ एच माइनस क्या दे दिया आपको, एच टू, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और एक प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, तो ये कंपाउंड न्यूट्रल है आपका, ठीक। सोडियम पे वन प्लस और Cl पे वन माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर न्यूट्रल हो गया, तो NaCl सॉल्ट आपको मिल गया। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से बना लिया। अब पार्ट थ्री देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट थ्री में आपके पास X रिएक्ट करेगा किससे, CH3COOH, पता है ना एसिटिक एसिड होता है, विनेगर में पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, ठीक। क्या बन रहा है हमारे पास, बन रहा है कंपाउंड C और साथ में बन रहा है वाटर। अब देखिए बच्चों, बहुत इजी है, क्योंकि मुझको क्या पता है, मुझको X तो पता ही है, तो मैंने यहाँ लिखा NaOH, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा CH3COOH। अब कंपाउंड कैसे बनाएं, तो कंपाउंड हम इस तरीके से बनाएंगे, ये NaOH को आप ब्रेक कर लो वापस, NaOH ब्रेक होगा किस में, सोडियम आयन Na प्लस और OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में, और CH3OH ब्रेक होगा किस में, ये एसिटिक एसिड होता है, ये एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन में ब्रेक होगा। एसिटेट आयन याद है आपको, क्लास 9 में हमने पढ़ा था, एसिटेट आयन होता है CH3COO माइनस, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन, करेक्ट। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा, हमारे पास क्या CH3COO माइनस और साथ में हाइड्रोजन आयन बनेगा H प्लस, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ का जो कैटायन है इसको आप एनायन से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब आप इस कैटायन को एनायन से जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ क्या है प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनेगा CH3COONA, ठीक है। तो क्या बन गया आपके पास, आपके पास बन गया CH3COONA, जिसको हम नाम क्या देंगे, बहुत इजी है इसका नाम लिखना, ये रहा सोडियम और ये CH3COO माइनस वाला जो पार्ट था ये क्या था, एसिटेट आयन, है ना। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, सोडियम एसिटेट आयन नहीं लिखोगे, अभी न्यूट्रल हो गया है ना, इसका प्लस वन और इसका माइनस वन कैंसिल हो गया, तो नाम पड़ेगा इसका क्या, सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो अब हमको सी भी पहचान में आ चुका है, करेक्ट, और साथ में वाटर निकला ऑब्वियसली, और आप चेक कर लीजिएगा, ये रिएक्शन तो मेरे ख्याल से बैलेंस थी, और क्या ये रिएक्शन भी बैलेंस है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल बैलेंस है शायद, H2O, हाँ बिल्कुल बैलेंस तो है, ठीक है ना, तीन ऑक्सीजन तीन और हाइड्रोजन दो, बिल्कुल सही है, सोडियम वन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो जो C है वो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COONA, और नाम क्या है इसका, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, ओके सोडियम एसीटेट। तो ये हो गई सारी चीज़ें, आपका सॉल्व हो गया, आप इसको एक बार देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और देख लीजिए मैंने इसको कैसे किया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि आप इधर उधर के सोर्स के चक्कर में ना पड़े, ठीक है, आप शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में, जिसने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे चैनल से पढ़ो, लेकिन जिसने ढंग से पढ़ाया है, ठीक है, एक चैप्टर को आपको कम से कम 20 से 24 से लेके 30 आवर्स तक लगेंगे, लेक्चर उसके होंगे तब फिनिश होगा, तब सब कुछ कवर होगा, तो आपके समझ में आए, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, रटना हो तो फिर रटो, ठीक है। तो ये बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स NCERT एग्जाम्पलर से। अब हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ व्हाट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ा दिया है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले जाके अच्छे से पढ़ लो, नोट्स उसके बना लो, फिर NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करना, और मेटल्स नॉन मेटल्स का NCERT एग्जाम्पलर का लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, सॉरी लिंक कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट जो होगी एंड स्क्रीन पे वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, और नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा वहाँ पे जब मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द वीडियो ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स NCERT एग्जाम्पलर, ओके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।